चलो 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 चलो, आजा 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 आजा, जल्दी 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 जल्दी, फास्ट 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 फास्ट, मजा आता है। मॉर्निंग में आओ तो मजा आएगा। मैं अभी शाम को आया हूँ, थोड़ा बिजी था, तो शाम के वक्त में जॉगिंग करने का मजा ही आता है। ये टिकट बारी यहाँ पे है, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन अभी कोई व्यवस्था नहीं है, अभी आप यहाँ पे फ्री आ सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक भाटिया आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। तो आज मैं आपको ऐसी जगह पे लाया हूँ, आपको वहाँ पे सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी और मजा भी आएगा, और हाँ परिवार के साथ आओगे तो और मजा आएगी। तो यहाँ पे मैं एक आपकी व्यवस्था बता देता हूँ। देखो यहाँ पे एक पार्किंग है, पूरा ये पूरा पार्किंग एरिया है, आप अपनी खुद की गाड़ी लेके आओगे तो यहाँ पे पार्किंग कर सकते हो। तो ये व्यवस्था के बारे में बताया, तो मैं कहाँ हूँ तो उसके बारे में बता देता हूँ। नर्मदा पार्क। अच्छा, तो ये नर्मदा पार्क कहाँ है आप तो पूछोगे कि भाई हम कहाँ घूमने आए, कहाँ नहीं, नर्मदा पार्क कहाँ आया, तो मैं आपको बताता हूँ। भरूच, भरूच में झाड़ेश्वर चौकड़ी है, झाड़ेश्वर चौकड़ी से आप जब नीलकंठेश्वर महादेव आते हो तो उसके बीच के रास्ते में ये नर्मदा पार्क पड़ता है। बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, आपको मन का सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, और यहाँ पे बच्चों के लिए खेलने के लिए बहुत कुछ है। अच्छा, दूसरा एक बता दूँ, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग लोग जॉगिंग के लिए भी आते हैं, रनिंग करने के लिए भी आते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, अभी अंदर जाके पूरा नज़ारा देखते हैं, चलिए मेरे साथ। ये पूरा जॉगिंग एरिया है, मजा आता है। मॉर्निंग में आओ तो मजा आएगा। मैं अभी शाम को आया हूँ, थोड़ा बिजी था, तो शाम के वक्त में जॉगिंग करने का मजा ही आता है। यहाँ पे बहुत बड़ा ग्राउंड है, बच्चे भी खेल सकते हैं, हम बड़े लोग भी आराम से बैठ सकते हैं, खेल भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग नर्मदा पार्क के अंदर है, तो जैसे कि आप पूरा देख सकते हो, देखो यहाँ पे आजू बाजू में पूरे पेड़ लगे हुए हैं, एकदम ग्रीनरी ग्रीनरी है पूरा। ये इन शॉर्ट शाम को आओ तो मजा आएगा। तो बहुत सारे लोग घूमने के लिए भी आते हैं, फैमिली के साथ आते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं सब लोग। तो ये पूरा एरिया बहुत ब्यूटीफुल है, यहाँ पे प्ले ग्राउंड भी है, वो हम आगे जाके देखेंगे। आप देखिए पूरा नज़ारा। अच्छा, दूसरा मैं बता दूँ, यहाँ पे अभी जो पानी आया था डैम में से, जो पानी छोड़ा था, तो उसकी वजह से बहुत सारा अपना जो ये गार्डन है डैमेज हुआ है। मैं आपको उसका लेवल ही बताऊंगा, कहाँ तक का पानी आया था यहाँ पे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आगे जाके हम लोग देखेंगे, बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड है, और एरिया पहले बहुत अच्छा था, लेकिन जो अभी पानी जो आया था ना, उसकी वजह से पूरा डैमेज हो गया है, ये पूरा ये पेड़ पौधे सब झुक गए हैं, टूट गए हैं सब, तो थोड़ा गंदा हो गया है। उसका भी क्या है, इसके अंदर एक का प्लानिंग होता है इनका, कि गवर्नमेंट की तरफ से उनको कुछ कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, तो अभी तक किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया नहीं है, इसके लिए इसकी ऐसी हालत है। अच्छा, आप देखिए वहाँ पे सामने हमारा जो केबल ब्रिज वगैरह नज़र में आता है, और पीछे बिल्कुल नर्मदा मैया है, तो आप नज़ारा देख सकते हो, गार्डन है, नर्मदा मैया है। तो अभी हम लोग प्लेग्राउंड के अंदर एंटर हो रहे हैं। ये पूरा बच्चों के खेलने के लिए प्लेग्राउंड बनाया गया है, यहाँ पे बच्चे लोग खेलते भी हैं सब लोग इधर। चलो 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 चलो, आजा 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 आजा, जल्दी 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 जल्दी, फास्ट 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 फास्ट, वेरी गुड, चलो जाओ बेटा फटाफट, आओ आओ, देखो वीडियो कैमरा में देखो, कम कम कम,
यस ये रेल के पानी पूरे भर गए थे, उसकी वजह से थोड़ा बहुत डैमेज हो गया, लेकिन फिर भी लोग आते हैं और बच्चों के साथ खेलते हैं, एंजॉय करते हैं। चलो स्लाइड करो, स्लाइड करो, आ जाओ फटाफट, आओ चलो, आओ आओ चलो फटाफट बेबी, आओ चलो। ये पूरे सब पहले फ्लैट था, लेकिन जो पानी रेल का पानी आया ना, उसकी वजह से पूरा ये ऐसा देखिए डैमेज हो गया रोड। अभी तो हम लोग पूरा जो जॉगिंग पाथ था, जो जॉगिंग एरिया था, वहां से चलते 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 पीछे की साइड आए हैं। तो पीछे की साइड आप देखेंगे नर्मदा मैया जो है पवित्र, पावन करनारी, मोक्ष दिनारी, ये जो पवित्र नदी है वो आपका, उसको दर्शन कर सकते हैं। तो ये बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, फैमिली के साथ आइए, एंजॉय करिए। ये और देखिए आप पूरे ग्राउंड में भी देखिए कितना कचरा पड़ा है, पैकेट्स खा करके सब इधर ही डाल देते हैं। तो मेरा लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज़ आप स्वच्छता का ध्यान दीजिए। हमारे मोदी सरकार ने भी उस पर बहुत सारा खर्च किया है स्वच्छता अभियान पे। तो जो पैकेट्स आप जो खाते हैं प्लीज़ उसको डस्टबिन में डालिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं माँ नर्मदा मैया पीछे है, और पूरा केबल ब्रिज देख सकते हैं आप। और ये जो बाजू में है वो बिल्कुल नीलकंठेश्वर महादेव का एक घाट है। तो यहाँ पे दूसरे भी अट्रैक्शन है, जैसे मैंने आपको बताया कि नीलकंठेश्वर महादेव का मंदिर भी है, ये बाजू में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी का भी मंदिर है, तो यहाँ पे भी आप आ सकते हो। इसका वीडियो मैंने पहले से बनाया हुआ है और अंदर रखा हुआ है, आप उसको देख सकते हो। मेरा जो चैनल है उसका नाम है दीपक भाटिया ब्लॉग्स। थैंक यू फ्रेंड्स। आप यहाँ पे आओगे ना तो यहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, खाने पीने की चीज़ आपको मिल सकती है, यहाँ पे चाय वगैरह मिलेगा आपको, पानी की व्यवस्था यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं रहेगी। और दूसरा आप मैं देखिए ये जब रेल का पानी आ गया था ना, तो कहाँ तक पानी आया था मैं आपको बताता हूँ। ये एक कैंटीन के अंदर का भाग है, देखिए आप कलर डिफरेंस देख सकते हैं, एकदम व्हाइट है और हल्का सा थोड़ा ये हो गया कलर, आप देखिए। तो यहां तक पानी आया था पूरा। तो ये जो नर्मदा पार्क है ना, उसका संचालन पहले जिला पंचायत के द्वारा किया जा रहा था, लेकिन अभी दूसरा नया कॉन्ट्रैक्ट मिला नहीं इन लोगों को, और रेल आने के बाद तो बहुत सारा डैमेज भी हो गया है और कोई कॉन्ट्रैक्ट भी फिक्स हुआ नहीं है, इसलिए पूरा मतलब थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, गंदा लग रहा है। तो थोड़ी व्यवस्था अंदर बराबर नहीं है। जब अच्छा था, पहले भी हम लोग इधर आ चुके हैं, लेकिन जब पहले अच्छा था, बढ़िया सा अरेंजमेंट था, तो यहाँ पे टिकट हुआ करती थी। अभी टिकट का रेट क्या था क्या नहीं अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन टिकट का रेट इधर लिखा हुआ है, ये टिकट बारी यहाँ पे है, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन अभी कोई व्यवस्था नहीं है, अभी आप यहाँ पे फ्री आ सकते हो। तो फ्रेंड्स अंदर का नजारा, फैसिलिटीज सब देख के आपको कैसा लगा, आना चाहिए ना। हाँ तो प्लीज आप आपके फैमिली के साथ जरूर आइए। थैंक यू।